हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल बी एड क्लासेस। देखिए, सेकंड सेमेस्टर का जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी सब्जेक्ट है, उसका हम जो विनोद पब्लिकेशन का मटेरियल है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यूनिट फर्स्ट कर रहे हैं, 4 यूनिट होते हैं और हर एक यूनिट डिफरेंट डिफरेंट सब यूनिट्स में डिवाइड होता है। 3 या 2 या 4 सब यूनिट्स होते हैं। इसका हम सेकंड सब यूनिट कर रहे हैं, उसमें हमने कर दिया है अप्रोचेस, है ना, आप एजुकेशन टेक्नोलॉजी में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कर दिया, मल्टीमीडिया कर दिया। अब हमारा रहता है मास मीडिया अप्रोच। मास मीडिया अप्रोच में हमारा क्या आता है, इसमें बताना है कौन कौन सी मास मीडिया अप्रोचेस के थ्रू एजुकेशन टेक्नोलॉजी के को बच्चों को कैसे पढ़ाया जा सकता है। नंबर 1, रेडियो, टेलीविज़न, फिल्म्स, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। इन सबको डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग एक्सप्लेन करना है, बताना है इनका रोल क्या है, किस तरह ये यूज़फुल है, इनके फंक्शंस क्या हैं, करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इनको वन बाई वन एक्सप्लेन करना है। मास मीडिया प्लेज सो मच पावरफुल रोल दैट दे आर कंसिडर द थर्ड स्टेट एंड इफ मिस यूज दे कैन इवन मेक द कोटेशन कोटेशन ये देखिए आप, इसका कुछ स्टेप्स हैं। फिल्म्स, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स आर इंक्रीजिंग दिस टॉपिक। अब रोल बताना है, रोल एंड इम्पोर्टेंस बताना है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी में क्या रोल है, इनका इम्पोर्टेंस है इनकी। ये स्टेप्स में पहले एक्सप्लेन किया हुआ है। कंक्वेट स्पेस की जरूरत होती है जब मास मीडिया के थ्रू बच्चों को पढ़ाया जाए। सबसे पहले तो रिमोट एरियाज में इसका के लिए में पूरी अरेंजमेंट की जरूरत होती है, स्पेस की जरूरत होती है, कंक्रीट टाइम की जरूरत होती है। एजुकेशन ऑफ आर मासेस, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, कंटिन्यूइंग एजुकेशन, रिसेंट नॉलेज। ठीक है, ये विनोद पब्लिकेशन का मटेरियल है, इसे अगर आप चाहें तो अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। इतना तो सफिशिएंट नहीं है, बट एक गाइडलाइन मिल जाती है कि किस तरह हमें अपने टॉपिक में किस तरह क्या करना है, किस तरह इसको करना है, एक्सप्लेन किस तरह करना है, क्या पॉइंट्स लिखने हैं, एक गाइडलाइन मिल जाती है। नॉन पब्लिकेशन की जो बुक है उसमें सिर्फ एक आपको एक वे बताया गया है, तरीका। अब बता, अब सर नंबर 1 आता है रूल्स ऑफ रेडियो इन स्कूल एजुकेशन। अब स्कूल एजुकेशन में जो रेडियो है, रेडियो का क्या रोल है, सबसे पहले ये करना है हमने, रेडियो का क्या रोल है। ठीक है, सबसे पहले रेडियो वाला करना है हमने। बोलता है कि रेडियो सबसे पहले इंट्रोड्यूस्ड हुआ था 1920 में, तो अब रेडियो का हमने बताना है यूजेस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है ये बतानी है। फिर हर एक चीज़ का यूज़ इंपॉर्टेंट बतानी है, फिर उसका लिमिटेशंस बतानी है। देखिए, इसका यूज़ एंड इंपॉर्टेंस, अप टू डेट, इम्प्रूविंग लैंग्वेज एंड प्रोनाउंसिएशन, फीलिंग ऑफ इन्वॉल्वमेंट, टॉक्स बाय एक्सपर्ट्स, वैरायटी, कंक्यूट टाइम एंड स्पेस, टेम्परेरी रिप्लेसमेंट ऑफ बुक्स, मीडियम फॉर लेजर टाइम एक्टिविटीज, ग्रुप इंस्ट्रक्शंस एंड सप्लीमेंट क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस। ये हो गए 10 पॉइंट्स। देन इसका ये देखिए, अगर आपको ये अच्छा लगता है अपने नोट्स में से ऐड कर सकते हैं। रिफ्लेक्टिंग करंट इवेंट, मल्टी डायमेंशनल एजुकेशन एंड टीचिंग क्वालिटीज। ठीक है, ये होगी इसकी यूजेज एंड इम्पोर्टेंस आ गई। अब लिमिटेशंस इसकी क्या हैं, ड्रॉबैक्स क्या हैं। वन वे कम्युनिकेशन होता है ये, लिमिटेशन नंबर 1 आ गई। वन वे कम्युनिकेशन, फिर यूनिफॉर्मिटी, आउट ऑफ फैशन, के नॉट सी, क्योंकि रेडियो हमें देख नहीं सकते, हम सुन सकते से, नो प्रीव्यू, इनकन्वीनियंट टाइम एंड फाइनेंशियल प्रॉब्लम। ठीक है, ये इसके आगे ड्रॉबैक्स या लिमिटेशंस। अब नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1996 एंड एजुकेशन रेडियो नेशनल पॉलिसी एजुकेशन रिकमेंडेड। अब NPE ने क्या रिकमेंड किया था ये भी देख लीजिए, इसका प्रोसीजर फॉर टीचिंग रेडियो लेसन, कुछ स्टेप्स हैं इसके, ये भी देख लीजिए आप, पॉइंट में एक्सप्लेन है। अब नेक्स्ट 1 ये देखिए, इसके पॉइंट्स में एक्सप्लेन किया हुआ है जो। अब इसके बाद हमारा आता है यूज़ ऑफ, पहला आ गया रेडियो, फिर आता है यूज़ ऑफ टेलीविज़न, यूज़ ऑफ टेलीविज़न इन स्कूल एजुकेशन। अब स्कूल एजुकेशन में टेलीविज़न का क्या रोल है, पहले टेलीविज़न के बारे में बताना है, टेलीविज़न होता क्या है, अब रूल्स एंड इम्पोर्टेंस, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, यूज़ क्या है, देन लिमिटेशन या डिमेरिट्स या प्रॉब्लम्स क्या हैं। अब इसके यूज इम्पोर्टेंस में आ गया मास कम्युनिकेशन, कम्बाइंस रेडियो एंड फिल्म्स, टेलीविज़न में एक्सपर्ट्स,
इफेक्टिव ऑडियो विजुअल एड, इफेक्टिव ऑडियो भी होता है विजुअल, दोनों काम होता है। हम सुन सक सुनता भी सुनते भी हैं, और जो सुनते हैं वो क्या कौन बोल रहा है, बीच क्या है सिस्टम, उसकी पिक्चर्स भी शो होती हैं। इफेक्टिव ऑडियो विजुअल एड टाइम सेविंग भी होता है। इसकी अगली इंपॉर्टेंस फिर नेक्स्ट देखिए, इसकी इंपॉर्टेंस में आता है यूनिफॉर्मिटी ऑफ कम्युनिकेशन, फोकसिंग अटेंशन, कंक्यूल्स टाइम एंड स्पेस, सब्सिट्यूट फॉर फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, रिड्यूस टीचर्स लोड, वॉचिंग द लेसन एट होम, रिक्रिएशनल वैल्यू, मीट डिफिशेंसी अपरेटस, सप्लीमेंट्स, सेल्फ डिसिप्लिन, रिटेंशन एंड इंटरेस्टिंग होता है। ये इसके आगे यूज इंपॉर्टेंस, अब हर एक चीज़ के यूज भी होते हैं, इंपॉर्टेंट एंड लिमिटेशन भी होती हैं। अब इसकी लिमिटेशन और डिमेरिट्स क्या हैं? नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, नो लर्निंग बाई डूइंग, इनकन्वीनियंट टाइम, पैसिविटी। इसके लिए आगे लिमिटेशन से ड्रॉबैक्स, इनफ्लेक्सिबिलिटी, कॉस्टली, ये इसके कुछ पॉइंट्स हैं। आगे भी हैं, ये देख लीजिए। हमेशा जब लॉन्गेस्ट स्टेप क्वेश्चन करना हो, उससे पहले पॉइंट्स में अगर लिख दें हम, फिर वन में मैंने एक्सप्लेन किया, इससे हमारा जो आंसर होता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है एग्जामिनर, इससे वाकई बच्चे ने उसको अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ है। हमेशा पॉइंट्स पहले लिखने, फिर उनको वन बाय वन एक्सप्लेन करना। कुछ पॉइंट्स ये हैं आगे, ये देख लीजिए। देन अरेंजमेंट ऑफ टेलीविजन प्रोग्राम, किस तरह उनका अरेंजमेंट करें, ये अरेंजमेंट आ गया स्टेप्स में कुछ। देन कंक्लूजन, नेशनल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1986 में उसने टेलीविज़न के बारे में क्या है, उसने उसकी क्या रिकमेंडेशन दी थी, ये भी देख लीजिएगा आप। नेक्स्ट पर आता है हमारा यूज़ ऑफ फिल्म्स, नंबर थर्ड आता है यूज़ ऑफ फिल्म्स इन एजुकेशन। अब फिल्म्स का क्या यूज़ एजुकेशन में, ये देख लीजिएगा। फिल्म्स और मोशन पिक्चर्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट टीचिंग एड्स बोलता है, फिल्म्स को मोशन पिक्चर्स से बोलते हैं, इनका भी टीचिंग एड्स में टीचिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टीचिंग एड है। और यूज़ एंड इंपॉर्टेंस का देख, डिस्प्ले एट व्हील कैन बी रिपीटेड टू सिमल्टेनियस एक्सप्लेनेशन एक्सपर्ट्स, ड्रामेटाइजेशन, इंटरेस्टिंग ऑडियो विजुअल एड, ठीक है। इसके कुछ पॉइंट्स हैं, ये भी देख लीजिएगा। अंडरस्टैंडिंग, रिटेंशन, लेसन बर्डन्स, वैरायटी, टीचर्स, इंप्रेसिव स्टोरीज, ये नेक्स्ट करती हूँ मैं। इनफॉर्मल, सेल्फ डिसिप्लिन, हिस्ट्री, लार्ज थिंग्स, डिस्टेंट थिंग्स एंड स्मॉल थिंग्स, ठीक है। ये फिल्म्स के कुछ क्या हैं यूजेज एंड इम्पोर्टेंस से। अब इसके बाद इसके आती हैं कुछ इसके ड्रॉबैक्स हैं, ठीक है। ड्रॉबैक्स, लिमिटेशंस और डिमेरिट्स क्या हैं, अब वो देखेंगे हम। ये देखिए, नॉन अवेलेबल, कॉस्टली, लैक ऑफ प्रोजेक्टर, नॉट इंटरेस्टिंग लैंग्वेज, नॉट ट्रेंड, वन वे कम्युनिकेशन। अब इसके बाद हमारा आता है न्यूज़पेपर, मल्टी मीडिया में अब आता है हमारा न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर को ही हम एजुकेशन मैगजीन्स भी बोलते हैं और जर्नल्स बोलते हैं। एजुकेशन मैगजीन्स आर ऑल्सो नोन एज जर्नल्स, न्यूज़पेपर को ही मैगजीन्स बोलते हैं और एजुकेशनल जर्नल्स भी बोलते हैं। अब इसकी इंपॉर्टेंस देख लीजिए, डीप अंडरस्टैंडिंग, नंबर वन इज़ ए डीप अंडरस्टैंडिंग, लेटेस्ट नॉलेज, हैबिट ऑफ स्टडी, क्रिएट्स इंटरेस्ट इन स्टडीज, डिवेलप क्रिसिटी, रिफ्रेश द नॉलेज ऑफ टीचर, फाउंडेशन सजेशन, यूज़ ऑफ लेजर टाइम। इसे हम अपना जो टाइम होता है लेजर टाइम, हमारा फ्री टाइम, उसे यूटिलाइज कर सकते हैं थ्रू मैगजीन्स के, जर्नल्स पढ़ के। नेक्स्ट देखिए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड सप्लीमेंट्स, हाउ टू मोटिवेट द यूज़ ऑफ न्यूज़पेपर एंड जर्नल्स, किस तरह मोटिवेट कर सकते हैं कि जर्नल्स पढ़ो, न्यूज़पेपर्स पढ़ो, किस तरह। अब इसके बारे में बताया है अलग अलग कैसे, ये देख लीजिएगा। ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये भी देख लीजिए। अब ये सारा करने के बाद हमें बताना है कि रोल ऑफ टीचर, टीचर का क्या रोल है, रोल ऑफ टीचर इन यूज़ ऑफ मास मीडिया, टीचर का रोल ऑफ मास मीडिया में क्या रोल है टीचर का। ये कुछ स्टेप्स हैं, ये देख लीजिए। टीचर का मेन रोल होता है एजुकेशन के अंदर, बच्चों को जब वो पढ़ाता है टीचिंग में, टीचर की टीचिंग इफेक्टिव होना चाहिए, तो बच्चे की जो लर्निंग है वो भी इफेक्टिव बन सकती है। अब देखिए, टीचर का क्या रोल होना चाहिए मास मीडिया के अंदर, ये इसके कुछ पॉइंट्स हैं। टीचर को भी नॉलेज होनी चाहिए वेल एजुकेशन ब्रॉडकास्ट इंडिया, इंडिया के अंदर जो एजुकेशन ब्रॉडकास्ट सिस्टम है वो कैसा है, यूजीसी, ग्रांट कमीशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, अच्छा ओपन यूनिवर्सिटी प्रोग्राम, एग्रीकल्चर एजुकेशन, टॉक्स ऑन रेडियो, साइंस प्रोग्राम, योगा एजुकेशन, एसाइट फॉर चिल्ड्रन। यहाँ हमारा सेकेंड सब्जेक्ट भी कंप्लीट होता है, हमारा थर्ड सब्जेक्ट बचता है वो हम करेंगे। रिलेशनशिप ऑफ द टर्म टीचिंग विद अदर सिमिलर कंसेप्ट सच एज कंडीशनिंग, इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग एंड इंडॉक्ट्रिनेशन, और उसी के साथ हमारा फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। ये थर्ड सब्जेक्ट इसका रहता है। उसके बाद हम, अगर मेरे पास इसके हैंड रिटन नोट्स मुझे मिलते हैं, मटेरियल मिलता है, मैं वो भी शेयर करूँगी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, डू लाइक शेयर।